मैं सर नितीश खेतान, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि कोई भी 10 मिनट स्क्रीन ना छोड़े, अगर वो छोड़ेगा वो पछताएगा बाद में, ठीक है ना। उसको मैं नोटिस से नहीं बता सकता, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज की प्रेजेंटेशन से। सो मैं सर नितीश खेतान, पार्टनर इन मित्तल खेतान एंड कंपनी। आवर फर्म इज चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। वी वॉज एस्टैब्लिश इन 2018। आवर ऑफिस इज इन दिल्ली विद इन NSP एंड अदर इन गाजियाबाद। Having two partners who take care all types of audits, income tax matter, GST matters and certification matter. So, आज हम बात करेंगे GST registration documents के regarding, जो छोटे proprietor होते हैं कि क्या क्या documents चाहिए, GST registration नहीं मिल पाता, क्या क्या documents चाहिए। तो पहले तो आधार कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अगर आप अपने नाम पे प्रोप्राइटर में, पार्टनर में कुछ भी आप GST नंबर लेना चाहते हैं तो आपके आधार कॉपी होनी चाहिए, पैन कॉपी सबके पास, शायद सब जानते होंगे, विजिबल होंगे, आपने देखे होंगे आपके पास आधार पैन कॉपी होते हैं। एक फ़ोटो चाहिए पोर्ट्रेट, ये दिख रही है कैटरीना कैफ, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए कैटरीना, देखो कैटरीना@gmail.com कोई भी चलेगी ईमेल आईडी, आपकी ऑफिशियल मेल आईडी, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी वो भी चलेगी, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर जो जिसपे OTP आता है, अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करेंगे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मस्ट है, उन दोनों के एक बार OTP आएगा फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आपका रेंट एग्रीमेंट, अगर प्रीमाइसिस रेंट पे आपने ले रखी है तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट के लिए आपका UP में 4% और अप्रॉक्स 2.5 और 3% स्टैम्प पेपर होना चाहिए रेंटल एग्रीमेंट पे, अदरवाइज डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आएगा कि आपको GST क्यों दिया जाए। आपने हो सकता है कि 100 रुपये पे स्टैम्प पेपर फर्जी बनवा लिया हो कोर्ट में जाके, क्रकडूमा कोर्ट में, तो वो प्रॉपर स्टैम्प्ड होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड हो ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका फिर एक NOC होती है जिससे आप रेंट, जिस प्रेमाइसिस पे आप रह रहे हो उसका NOC लिया ही नहीं लिया, आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, NOC होना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेमाइसिस से आप काम कर रहे हैं, तो NOC एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद उसके प्रॉपर्टी पेपर्स भी रिक्वायर, या तो प्रॉपर्टी पेपर या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल उस प्रॉपर्टी पे जिस पे आप काम कर रहे हो, पता लगा वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, आपने रेंट एग्रीमेंट भी बना लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी कर लिए, आपने सरकार का GST के बिल खाए, इनपुट लिया और आप चले गए। तो आजकल आप सुन रहे होंगे कि GST की रेट डेली बेसिस पे बढ़ रही है, GST डिपार्टमेंट बहुत सख्त है, अगर आप कोई भी छोटी भूल करते हैं GST आपके दरवाजे पे बैठा होगा। और ऐसे ऐसे है, किसी और ने कराया था रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट आया पता लगा वहाँ पे कोई वकील बैठा था, वकील को ही लेके चले गए, ये रियल सिनेरियो है, वकील को उठा के चले गए, सारे वकील फिर जुड़वाने गए GST डिपार्टमेंट में कि भाई साहब ये नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी थी और ये कोई और को रेंट एग्रीमेंट दे रखा है। तो आप अपने, अगर किसी बंदे को आप अपनी रेंटल की जगह भी दे रहे हैं ना, तो ध्यान से दीजिएगा, और अगर वो GST नंबर ले रहा है तो उसको आप NOC ले रहा है नहीं ले रहा, और जब वो बंद करके जा रहा है अपनी फर्म तो उससे आप लेटर लें कि आपने GST कैंसिल करा दिया उस एड्रेस पे या नहीं, पता लगे कि आप वो तो चला गया और आपके GST डिपार्टमेंट आपको पकड़ने आ गया, उसने बहुत सारे घोटाले कर दिए। अब ये इस तरह का नोटिस आता है, ये छोटा थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसे अलर्ट हो सकता है, ये इसमें नोटिस में आया है कि आपका NOC नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी रहने दी, हो सकता है कोई नहीं राहुल, इसमें पूछा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस, आई प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह का नोटिस आता है जब भी आप रजिस्ट्रेशन डालते हो, उस बंदों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं डाला या फिर NOC नहीं डाली या फिर उनको साइन रेंट एग्रीमेंट ही साइन नहीं करा, रेंट एग्रीमेंट बस बनाया ऐसे ही भेज दिया 100 रुपये का रेंट एग्रीमेंट बना के, उसमें अपलोड ही नहीं करा, साइन ही नहीं है, NOC प्रोवाइड नहीं करी, एक्चुअल है ARN नंबर लिखा हुआ है, किसी क्लाइंट का है, नाम हटा दिया है हमने, तो उसमें NOC मांगी है, प्रोवाइड पेन कॉपी ऑफ ओनर ऑफ फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि आपने NOC तो दे दी, अब वो साइन किसी और ने कर दिए, पैन प्रीमाइसिस किसी और के नाम पे, और उसके साइन वेरिफिकेशन रेंट एग्रीमेंट से मैच करते हैं कि रेंटल एग्रीमेंट सही किस बंदे ने दिया है या नहीं दिया है, इसलिए पैन भी होना जरूरी है जिससे आप जिसके नाम पे और प्रीमाइसिस पे आप काम कर रहे हैं। एड्रेस प्रोवाइडेड इन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट डज नॉट मैच विद द जो रेंट एग्रीमेंट है, और जो उसका आधार है जो NOC वो मैच ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल से, एक वो नोटिस का, अगर ये सब चीज़ें क्लियर हैं आपको GST रजिस्ट्रेशन मिलने में कोई परेशानी नहीं है, अगर किसी को परेशानी है तो मुझसे कनेक्ट कर लें, फ्री ऑफ कंसल्टेंसी है। ये एक नोटिस और अब आने चालू हो गए, GST चालू हुआ था 2017-18 में, आपको याद होगा जुलाई 2017 से GST रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे, अभी तक सबको यह था कि नोटिस नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, ये हमारे क्लाइंटों पे हम नोटिस आने चालू हो गए हैं, वो GSTR 3B का डाटा 1 से मैच कर रहे हैं जो आपने भरी हैं और उसके बाद वो आपको नोटिस भेज रहे हैं। इसमें छोटा सा डिफरेंस था, हमने GSTR 9 डाल दी थी ऑलरेडी और ये डिफरेंस हमने पहले ही सबमिट कर दिया था, तो हमने सिर्फ अपना नोटिस का रिप्लाई कर दिया और ये क्लोज हो गया मैटर।
ये बड़ा भी हो सकता है, लोगों ने GSTR 1 डाली कुछ और, GSTR 3 में दिखाया कुछ और, डिफरेंस आया बहुत बड़ा, अब वो पेनल्टी देनी पड़ेगी क्लैरिफिकेशन के साथ। अगर आप, अगर आपको अवॉइड करना है इनकम टैक्स के नोटिस, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि काफ़ी नॉलेज है फाइनेंशियल्स की, वो खुद ही कर लेते हैं, पर कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे अपडेट आ रही हैं, मैं कहता हूँ तो सबसे पहले ना CA से कंसल्ट कर लें, वो आपका टैक्स बचा के देगा, पैसा बचा के देगा। अपनी फीस हम तो खुद ही निकाल लेते हैं आपकी रिटर्न फाइलिंग से ही। और आपको नहीं पता हो, आपको लगता है कि CA मुझसे 1.5 हज़ार ले लेगा, 2 हज़ार ले लेगा, 5 हज़ार ले लेगा, मैं जितने भी लेता हूँ ना उतनी फीस मैं रिकवर करके पहले दे देता हूँ। और आपको अभी पता लगेगा, अभी नोटिस आने चालू हो गए हैं, ऐसे काफ़ी सारे हमारे प्रगति की जो एक्स मेंबर हैं, जो खुद भर ली, उसके बाद वो मेरे पास आए और हमने उनका नोटिस का जवाब देके उनकी जितनी फीस ली ना उससे वो भी बचा के दिया है हमने। आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक नया अपडेट है जो अभी लोग चेक ही नहीं करते। 26 AS जिसे हम बोलते हैं, पहले तक अभी तक ये आ रहा था, इसमें अब मोर देन 200 ट्रांजेक्शन तक रिपोर्ट हो सकती है एनुअल इन्फॉर्मेशन। आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी बिजनेस इनकम है कोई भी, इंटरेस्ट इनकम है, रेंटल इनकम है, कंसल्टेंसी इनकम है, कमीशन इनकम है, वो सब आपकी एनुअल स्टेटमेंट है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी बेची है, एक बार आप इसे खोलेंगे TIS एनुअल स्टेटमेंट, एक सैंपल है ये, मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरा ही है सैंपल ये। इंश्योरेंस कमीशन, अगर आपका कोई कमीशन आ रहा है 194, नीचे करें थोड़ा थोड़ा हल्का सा, ले लो कंट्रोल माउस, ये थोड़ा थोड़ा नीचे करते, ये इसमें सर TDS है 194D के अंदर, इसमें अगर कोई भी TDS करा है वो यहाँ रिपोर्ट हुआ है। आपने रिटर्न भरते वक्त अगर ये फिगर छोटी सी भी छोड़ दी ना, आपको नोटिस आना है। अब इसके अंदर क्वार्टर वाइज 194C के अंदर है, आपने कोई भी, आपने छोटी मोटी इनकम कुछ भी छोड़ दी ना जिसमें TDS कटा हुआ है, वो सारी रिपोर्ट नहीं होती है 26 AS में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं होती हैं, आपने 194C की कुछ भी इनकम छोड़ दी, आपको नोटिस आना है। और उसका जब रिप्लाई आएगा ना सर, वो 3 साल बाद आएगा, रिटर्न भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, 80% पेनल्टी है, आप किसी से भी चेक करा लेना। 194J रिसीट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, आपने किसी को सर्विस दी, आपको लगा कि शायद मैं कैश लेकर आ गया हूँ, उसने मेरा TDS नहीं काटा होगा, उसने वो TDS काट के दिखा दिया आपकी पोर्टल पे और आप उसको देख रहे हैं, बाद में जब नोटिस आया तब आपको पता लग रहा है, आपने AIC चेक नहीं करी कि क्या क्या इनकम मेरी उसमें शो हो रही है। अगर कोई मोटी इनकम इसमें आपने छोड़ दी, आपने चाहे इंटरेस्ट इनकम भी छोड़ दी, उसका 80% टैक्स आपको देना पड़ेगा, रिटर्न रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि डिपार्टमेंट बड़ा लेट होता है। सर इसको क्लोज कर देते हैं सर, ऐसी 26 AS में है, इसको नहीं खुलना सर, ऐसी 26 में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर ये कुछ हमारे नोटिस आए हैं, अपने ग्लिम्स है उनके कि ये उन्होंने इनकम बिजनेस इनकम हुई थी, वो इस तरीके से नोटिस आया था, 36 लाख की इनकम जोड़ दी और उसके ऊपर आज की डेट में टैक्स 54 करीब टैक्स बना के उन्होंने भेज दिया इंटरेस्ट सहित, क्योंकि 10-11 का ये नोटिस है आज की डेट में। वो मेरे पास आया और उनको जो उनकी जो हम फीस तो ले ही रहे हैं, हमने कहा हम बचा के लेकर आ जाएंगे, पर 10-11 का नोटिस है, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब माई गिव इज फ्री फर्स्ट कंसल्टेंसी ऑन GST एंड इनकम टैक्स नोटिस, अगर किसी को कुछ आता है तो वो हमसे कंसल्ट करें, फ्री कंसल्टेंसी टू रिड्यूस योर टोटल। अगर किसी का कोई होम लोन चल रहा है मैं पब्लिक बैंक से, तो मैं उनकी EMI रिड्यूस करा दूंगा 12 से 18 महीने, और अगर आप कहेंगे तो 20 साल की कोई EMI है तो मैं 10 साल पे भी ले आऊँगा अगर मुझसे कंसल्ट करेंगे तो। मैंने अपने क्लाइंट्स का कराया, एक क्लाइंट के 40 लाख की मैंने सेविंग कराई है, 24 EMI मैंने उसकी सेव कराई है 2 साल में। एंड अगर आपकी हाई फाई इनकम है मोर देन 10 लाख 15 लाख, तो मैं आपकी गारंटी देता हूँ मैं कम से कम 2 लाख रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करा दूंगा किसी भी तरह। मेरे को पता है टैक्स प्लानिंग में बहुत सारे मैटर है जो सबको नहीं पता, और ऐसे बहुत सारे मैटर प्रॉपर वे से मैं आपकी 2 लाख टैक्स लाइबिलिटी कम करा दूंगा। मेरी आस्क है सर, 1 रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन हु नोज एनीवन हु आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम GST एंड इनकम टैक्स मैटर्स। माई क्लाइंटेल पंजाब नेशनल बैंक, सीको टेक्नोलॉजीज, शैंक्रोटेक इज अ जर्मन कंपनी, LG इंडिया, ऑल इंडिया डिफेंस विजयदीप सर ऑर्गेनाइजेशन, रतिराम विनोद साड़ीज, विनायक एंटरप्राइज एंड अदर्स।